तो जब से सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल से शादी की है तब से सिन्हा परिवार का पारिवारिक झगड़ा सड़क पर आ गया है। हम सब ये जानते हैं कि सिन्हा परिवार बेटी के इस फैसले से, इस शादी से नाखुश है। ये और बात है कि शत्रुघ्न के बेटे ने ये नाखुशी खुलकर जाहिर की, अपना गुस्सा अपना दर्द लोगों के साथ शेयर किया, जबकि पिता शत्रुघ्न सिन्हा जहर का घूंट पीकर अपनी इज्जत बचाने की खातिर मातम वाली शक्ल लेकर पूनम सिन्हा के साथ बेटी की शादी में पहुंचे। वहीं शादी के बाद भी परिवार का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां लव सिन्हा ने खुलकर बहन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की, तो वहीं उम्मीद की जा रही थी कि सोनाक्षी बड़े भाई से मिलकर चीजें ठीक करने की कोशिश करेगी और परिवार की इज्जत और नहीं उछलने देगी। मगर सोनाक्षी ने भाई की नाराजगी को जरा सा भी भाव नहीं दिया। भाई की नाराजगी को इग्नोर करते हुए, नजरअंदाज करते हुए जहीर इकबाल के साथ अपने हनीमून पिक्स शेयर किए, जिसे देखकर फैंस ने कहा कि बहन को बड़े भाई की नाराजगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वहीं भाई बहन की नाराजगी में कहीं न कहीं सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा पिसते नजर आ रहे हैं। ना ही वो खुलकर बेटी की खुशी को सपोर्ट कर पा रहे हैं और ना ही बेटे की नाराजगी को। लेकिन अब परिवार पर बन रहे तमाशे को लेकर फाइनली शत्रुघ्न सिन्हा सामने आए हैं और अपने दोनों बच्चों को कड़े शब्दों में नसीहत देते हुए बहुत कुछ कह दिया है। तो क्या बोले हैं शत्रुघ्न सिन्हा उनसे, और जो टारगेट कर रहा है उनके परिवार को क्या चुनौती दी है उन्होंने, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सोनाक्षी सिन्हा की शादी को 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, मगर उनकी मैरिज को लेकर हो रही बातों का सिलसिला जारी है। लव ने सोनाक्षी की शादी अटेंड नहीं की थी, उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर किया था जो इस बात का हिंट दे रहा था कि वो जहीर से बहन की शादी से खुश नहीं है। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने मन मुटाव पर चुप्पी तोड़ी है और कठोर शब्दों में अपनी बात कही है। दरअसल पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सोनाक्षी का अपने भाई लव के साथ मनमुटाव है, इसी कारण वो बहन की शादी में शामिल नहीं हुए थे। सोनाक्षी ने हाल ही में उनकी शादी को लेकर ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने परिवार को लेकर तरह तरह की बातें करने वालों को जवाब दिया है। उन्होंने साफ किया कि उनके परिवार को निशाना बनाया जाए, वो ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, हमने बहुत बड़े बड़े क्राइसिस देखे हैं, ये तो कुछ भी नहीं, किसी भी तरह की परेशानी की बात नहीं। शादी को लेकर जो हुआ, हम एक सामान्य परिवार की तरह हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है। हालांकि मैं जानता हूं कि हमें कौन टारगेट करवा रहा है, पर मैं मीडिया में उसका नाम नहीं लूंगा। हाँ, लेकिन मीडिया के जरिए मैं उस इंसान को बताना चाहता हूँ कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे परिवार को निशाना बनाया जाए। आखिर कौन से परिवार में मनमुटाव नहीं होते, परिवार की बातें परिवार में ही अच्छी लगती हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम एक दूसरे से सहमत नहीं होते, लेकिन आखिर में हम परिवार हैं। मैं उससे कहना चाहता हूं कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता। वहीं मैं अपने बेटे बेटी से भी उम्मीद रखता हूं कि वो समझदारी दिखाते हुए आगे परिवार का तमाशा नहीं बनाएंगे और पर्सनली ये गिले शिकवे मिटाएंगे। तो शत्रुघ्न के इस बयान पर भी लोग पलट कर उन्हें ही सलाह दे रहे हैं कि आप एक पब्लिक फिगर हैं सर, और रामायण के नाम पर आपने बहुत पॉपुलैरिटी बटोरी है, तो अब जब आपकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है तो आप उसे डिफेंड कर रहे हैं। और रही बात पारिवारिक झगड़ा परिवार में ही सुलझाने की, तो ये बात आप अपने बेटे बेटी को आमने सामने बिठाकर समझाइए, बजाय इसके आप भी सोशल मीडिया पर ही उन्हें ये सलाह दे रहे हैं। तो सिन्हा परिवार में चल रहे मनमुटाव को लेकर आपका क्या कहना है, और कौन बना रहा है शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार को टारगेट, किसकी तरफ था शत्रुघ्न का इशारा, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो जब से सोनाक्षी की शादी मीडिया में आई है तब से ही पूरे का पूरा सिन्हा परिवार कंट्रोवर्सी में घिरा नजर आ रहा है। पूरे सिन्हा परिवार को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। जहां एक तरफ सोनाक्षी को ट्रोल किया गया कि वो शादी कर रही है और परिवार को ये बात मीडिया से पता चल रही है, वहीं जब भाई लव सिन्हा से शादी में ना आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने जो वजह बताई वो बेहद चौंकाने वाली थी। इसी के साथ उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि इस शादी से उनका कोई लेना देना नहीं और वो आगे ना ही सोनाक्षी से और ना ही उसके ससुराल से कोई भी रिश्ता रखना पसंद करेंगे। अब इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो बेहद चौंकाने वाली है, जहां उस शख्स को लेकर खुलासा हुआ है जो पूरे सिन्हा परिवार का तमाशा बना रहा है। शत्रुघ्न के घर रामायण में महाभारत करवा रहा है, जो कहने को तो सिन्हा परिवार का सबसे बड़ा हितैषी है, वेलविशर है, लेकिन वही पूरे परिवार को बदनाम करा रहा है।
तो कौन है आखिर ये शख्स? शत्रुघ्न सिन्हा ने किसकी तरफ किया है इशारा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सोनाक्षी की शादी को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा और उनके परिवार की बहुत सारी चर्चा रही मीडिया में। ये भी कहा गया कि शत्रुघ्न सिन्हा बेटी की शादी से खुश नहीं है। इस बात का भी खुलासा हो गया कि सोनाक्षी के भाई भी इस शादी में शामिल नहीं हुए। लेकिन अब फाइनली अपने परिवार को लेकर मीडिया में जो बातें चल रही हैं, इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने रिएक्ट किया है और ये भी कहा है कि उनके परिवार के बारे में जो शख्स बातें फैला रहा है, वो शख्स कौन है, इसकी जानकारी शत्रुघ्न सिन्हा को है। शत्रुघ्न सिन्हा जो रिसेंटली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, उन्होंने डिस्चार्ज होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, मुझे पता है मेरे परिवार के बारे में ये बातें कौन कर रहा है। मुझे ये भी पता है कि मेरी सर्जरी के बारे में तक मीडिया में बातें आई। सर्जरी के बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि खामोश, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई है और मुझे ही नहीं मालूम। और जहाँ तक बात है उस शख्स की, जो शख्स मेरे परिवार को लेकर मीडिया में बातें कर रहा है, तो उसके बारे में भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो एक वेलविशर है और वो हार्म नहीं पहुँचा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मेरी उम्र 60 की हो गई है और अब शरीर उतना एक्टिव नहीं रहता है। पहले मैं इलेक्शन कैंपेन में बिजी था और इसके बाद मेरी बेटी की शादी, इन सब चीजों के बीच में मैं आराम नहीं कर पाया। अब वो टाइम नहीं रहा कि मैं 3-3 शिफ्ट में काम करूं। अब मुझे आराम की जरूरत है, थोड़ा स्लो डाउन करने की जरूरत है। कुछ इस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने बात कही है। उन्हें पूरी जानकारी है कि परिवार को लेकर मीडिया में कई बातें चल रही हैं, लेकिन वो चुप इसीलिए हैं क्योंकि जो शख्स ये बातें फैला रहा है, वो उनका वेलविशर है। अब शत्रुघ्न सिन्हा की इस बात को सुनकर लोगों को लग रहा है कि कहीं ये वेलविशर सलमान खान तो नहीं, क्योंकि सोनाक्षी की शादी में और करियर में सलमान का बहुत बड़ा हाथ है। जहां सोनाक्षी को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च सलमान खान ने किया, वहीं जहीर को भी इंडस्ट्री में लॉन्च सलमान खान ने किया। और तो और, सलमान के जरिए ही ये दोनों मिले हैं। सलमान दद्दू ये शादी अटेंड करने भी पहुंचे थे सोनाक्षी और जहीर को आशीर्वाद देने। तो ऐसे में लोगों का मानना है कि कहीं वो वेलविशर सलमान ही तो नहीं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बातें तो यहाँ तक कही जा रही हैं कि सलमान ने जहीर के पिता से कुछ वक्त पहले आर्थिक मदद ली थी, यानी बड़ा कर्जा लिया था, और वो कर्जा चुकाने के एवज में ही सलमान ने ही ये रिश्ता, ये शादी करवाई है। तो आपको क्या लगता है, क्या सलमान की वजह से शत्रुघ्न के घर रामायण में महाभारत हो रही है? क्या वो वेलविशर सलमान ही है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।